Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sri Sanu and you are watching Sun Nonstop. Guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपैरिजन किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एयरपोर्ट. ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट किस्म के एयरपोर्ट जो थे वो हम लोगों ने कंपैरिजन किया था. और फिर वहाँ पर इंडियन लोगों ने कमेंट किया था कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से तो अच्छे जो है वो इंडिया के बस स्टैंड्स हैं. ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि वाकई काफ़ी बुरी हालत जो थी वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की थी. आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि 10 पाकिस्तानी रेलवे स्टेशंस वर्सेस 10 इंडियन रेलवे स्टेशंस. तो देख लेते हैं कि मतलब टॉप 10 किस्म के इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस हैं. देख लेते हैं किसमें कितनी फैसिलिटीज हैं और कौन जो है वो एक दूसरे से बेहतर है. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइज, आप लोगों की नज़र में इंडिया या पाकिस्तान कोई भी रेलवे स्टेशन आप लोगों ने घुमा फिरा है या उस रेलवे स्टेशन से आपने ट्रेन लिया, तो आपके ख्याल से जो है वो कौन सा रेलवे स्टेशन आपकी नज़र में बेस्ट है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा. और इससे पहले गाइज, जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. लेकिन लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और भी चीज़ है. डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप लोग जरूर वहां पर जाइएगा. वहां पर जो है आपको एक अलग ही किस्म का कंटेंट देखने को मिलेगा. आई होप सो यू विल लाइक दैट. तो आप लोग जरूर वो जो है वो सेकंड चैनल विजिट कीजिएगा. लाइक ज़्यादा तेज बोल रही मैं, तो आप लोगों ने उस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है. इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा. तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और मैं भूल गई कि मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए. तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े रेलवे स्टेशन का कंपेरिजन करके दिखाया जाएगा. वीडियो के पहले हिस्से में आपको पाकिस्तान के 10 रेलवे स्टेशन दिखाए जाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से में इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन दिखाए जाएंगे. और वीडियो के एंड पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको किस मुल्क के रेलवे स्टेशन पसंद आए. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अगर नहीं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, बल्कि वहां कौन कौन सी सहूलियात हैं ये भी मालूम होगा. तो दोस्तों, आखिर कौन से हैं वो पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन, और क्या आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है? अपना जवाब वीडियो के एंड में कमेंट की सूरत में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को. नंबर 10, सखर रेलवे स्टेशन. दोस्तों, सखर स्टेशन को पाकिस्तान का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है, जिसे लोरा स्टेशन भी कहा जाता है. ये यहाँ के मशहूर अयूब गेट के करीब वाकया है, और ये स्टेशन वजारत रेलवे की मलकियत में आता है. यहाँ से 3 बड़ी ट्रेनें निकलती हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस शामिल हैं. यहाँ मुसाफरों के लिए वेटिंग एरियाज, टिकट रिजर्वेशन, फूड स्टॉल्स, टक शॉप्स और पीने का साफ पानी दस्तयाब हैं. नंबर 9, हैदराबाद रेलवे स्टेशन. दोस्तों, ये पाकिस्तान के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है. ये सिंध का एक अहम स्टेशन माना जाता है, जिसमें ये चंद लाइनें हैं: हैदराबाद बदीन लाइन, हैदराबाद खोखरापार लाइन और कराची पेशावर रेलवे लाइन. इसमें 8 ट्रैक्स और 5 प्लेटफॉर्म्स हैं. पाकिस्तान की वजारत रेलवे इसकी मालिक है. रोज़मर्रा सहूलियात के अलावा मुसाफिर अगर चाहें तो यहाँ वाशरूम्स, टक शॉप्स, वेटिंग एरियाज और मशरूबात आसानी से तलाश कर सकते हैं. नंबर 8, रहीम यार खान रेलवे स्टेशन. दोस्तों, ये स्टेशन ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बल्कि कदीम रेलवे स्टेशन में भी शुमार किया जाता है, जिसे अब मुनासिब देखभाल और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है. कोयटा, लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, हैदराबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर और जंग यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों के अहम रूट हैं. यहाँ वेटिंग एरियाज और मुसाफरों के सामान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी कैमराज भी हैं. इसके अलावा यहाँ चाय के स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें भी दस्तयाब हैं. सफाई थोड़ी. नंबर 7, गुजरावाला रेलवे स्टेशन. दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में शामिल किया गया है, जो वजारत रेलवे के पास है.
यहाँ मुसाफरों के लिए बड़े वेटिंग एरियाज, फूड कैफेज, न्यूज़पेपर स्टैंड, सिक्योरिटी कैमरे, टॉयलेट्स और ताज़ा खाने पीने की अशिया हैं। दोस्तों, इस स्टेशन के अलावा भी इस शहर में दो मजीद रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर यही सेम सहूलियात पाई जाती हैं। नंबर 6, मीरपुर खास स्टेशन। ये स्टेशन सिंध के इलाका मीरपुर खास में वाकया है। ये रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में शुमार किया जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक अहम रेलवे स्टेशन माना जाता है जो वजारत रेलवे के जेर साया आता है। यहाँ मुसाफरों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी कैमराज, वेटिंग एरियाज, फूड शॉप्स, कैफे, टक शॉप्स और पीने का साफ पानी भी दस्तियाब है। नंबर 5, गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन इस्लामाबाद के जनूब मगरिब में वाकया है जो वजारत रेलवे के जेर असर आता है। इसकी इमारत का डिजाइन विक्टोरियन अंदाज में किया गया है। इसमें 5 बड़े हॉल हैं और एक रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी है जिसे लाखों लोग विजिट करते हैं। ये स्टेशन देखने वालों को पुराने बरसगीर की याद दिलाता है। इसे 1882 में बनाया गया था। यहाँ मुसाफरों को पीने का साफ पानी, खाने पीने की अशिया और ताज़ा मशरूबात के हवाला से दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। नंबर 4, अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अटक रेलवे स्टेशन 1880 में बनाया गया था जो एक दिलकश माजी और शानदार फन तमीर का हामिल है। विक्टोरियन ज़माना में तमीर किया गया ये स्टेशन पत्थर की चनाई से बनाया गया है जो दरियाए सिंध के किनारे एक खूबसूरत मंजर पेश करता है जिसके चारों तरफ मंगलोर पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों, यहाँ आपको 1883 का तारीखी लोहे का पुल भी देखने को मिलेगा जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाता है। दोस्तों, जब ट्रेन इस स्टेशन पर आती है तो उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है और यूं महसूस होता है कि जैसे इंसान फिर से विक्टोरियन दौर में वापस चला गया है। नंबर 3, कराची कैंट स्टेशन। कराची रेलवे स्टेशन, जिसे कराची कैंट स्टेशन भी कहा जाता है, तकरीबन शहर के वस्त में वाकया है। ये रेलवे स्टेशन कराची का दूसरा कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है और पाकिस्तान की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। दोस्तों, इस स्टेशन का पुराना नाम फ्रेज ट्री स्टेशन भी बताया जाता है। इस स्टेशन को 1896 से 1898 तक 2 साल के अरसा में तामीर किया गया। दोस्तों, बरतानवी दौरे हुकूमत में यही वो स्टेशन था जिसने कराची की मारूफ तरीन बंदरगाह को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया था और आज भी कराची कैंट स्टेशन पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में से एक है। मुसाफरों की सहूलत के लिए यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स और 8 ट्रैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की अशिया, रेस्टोरेंट्स और कैफे भी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 2, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, विक्टोरियन दौर का ये स्टेशन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये ना सिर्फ बड़े सगीर की तामीराती खूबसूरती की एक शानदार मिसाल है बल्कि एक पुराने खुशहाल दौर की बाकियात भी है। दोस्तों, इसकी इमारत को पीले रंग के पत्थर से रवायती बरतानवी तर्ज पर तामीर किया गया है। ये स्टेशन रावलपिंडी के एक गुंजान आबाद इलाका सदर में वाकया है। इसे 1881 में बनाया गया। दोस्तों, इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि 1919 में अफगान बादशाह अमानुल्ला खान ने भी लंडी कोतल से इस रेलवे स्टेशन का सफ़र किया ताकि अफगानिस्तान के साथ माहिदा करने के लिए बरतानवी वायसराय से मुलाकात की जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, लाहौर रेलवे स्टेशन। ये पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने का एजाज भी रखता है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन को 1859 में मियां मोहम्मद सुल्तान चुगताई ने तामीर करवाया था। ये एम्प्रेस रोड लाहौर पर वाकया है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का एक पुरहजूम स्टेशन है जहां हर वक्त लोगों का एक जमे वफीर रहता है। इस जंक्शन पर 11 ट्रैक्स हैं और 11 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ मुसाफरों के लिए टिकटिंग सर्विस, वेटिंग एरियाज, कैंटीन, शॉप्स और पार्सल की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस की। तो चलिए फिर देखते हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस कौन से हैं। दोस्तों, इंडिया में इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है।
जो रोज़ाना लाखों मुसाफरों और सामान की नकलो हरकत में मदद करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स की लंबाई 1,14,500 किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 7,500 स्टेशन हैं। इस वीडियो में आपको इंडिया के 10 सबसे बड़े स्टेशन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मालूमाती वीडियो को। नंबर 10, पटना रेलवे स्टेशन। पटना स्टेशन हिंदुस्तान के मशरूफ तरीन स्टेशन में से एक है और ये दिल्ली और कलकत्ता के दरमियान में वाकया है। इसकी ये जग्राफियाई लोकेशन इसे एक अहम तजारती स्टेशन बनाती है। दोस्तों, ये रोज़ाना तकरीबन 4 लाख मुसाफरों को यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत के लिए सहूलियात फराहम करता है। यहाँ 15 ट्रैक्स और 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 9, अलाहाबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये इंडिया के ए ग्रेड रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और 16 ट्रैक्स हैं। ये स्टेशन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 मुसाफरों को खिदमात फराहम करता है। दोस्तों, सरकारी तौर पर इस स्टेशन को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, कानपुर रेलवे स्टेशन। कानपुर रेलवे स्टेशन इस मुल्क के 5 मरकजी स्टेशन में से एक है और ये इंडिया का दूसरा मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन भी कहलाता है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर रोज़ 2.3 मिलियन मुसाफरों की खिदमत करते हैं। स्टेशन पर रोज़ाना 475 ट्रेन चलती हैं। दोस्तों, हुकूमत रेलवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क का दूसरा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। नंबर 7, खरंगपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, खरंगपुर रेलवे स्टेशन सूबा बंगाल के जनूब मशरकी रेलवे जोन का मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन है। खरंगपुर रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1,072.5 मीटर है। इस स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोजाना 176 ट्रेन चलाता है। पाकिस्तान का सबसे जो बेस्ट था ना, उससे कम्पेयर कर रहा है। नंबर 6, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन इंडिया के सूबा गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है और ये इस खत्ते का दूसरा बड़ा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 340 ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। ये स्टेशन इंडिया में यहाँ की जदीद सहूलियात के लिए भी मशहूर है। नंबर 5, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये इंडिया का चौथा मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ 16 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से रोज़ाना 350 से ज़्यादा ट्रेन गुजरती हैं। दोस्तों, यहाँ से तकरीबन 5 लाख मुसाफिर अपनी मंजिल की जानब सफ़र करते हैं। इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इंडिया की मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भी यहाँ से शुरू होकर वापस इसी जगह पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ये ट्रेन है। नंबर 4, चेन्नई रेलवे स्टेशन। हर रोज इस स्टेशन से 170 ट्रेन निकलती हैं। यहाँ 17 प्लेटफॉर्म्स हैं और 30 ट्रैक्स हैं। दोस्तों, ये इंडिया के साफ सुथरे रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ के 12 प्लेटफॉर्म्स दूर दराज के शहरों के ही ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि बाकी 5 करीबी शहरों और मजाफाती इलाकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, चेन्नई रेलवे स्टेशन साउथ इंडिया का सबसे मसरूफ तरीन स्टेशन है और ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श स्टेशन में भी शुमार किया जाता है। ये रोज़ाना 1 बिलियन से ज़ायद मुसाफरों को डील करता है। नंबर 3, छत्रपति रेलवे स्टेशन। इंडिया के मशहूर शहर मुंबई में वाकया ये रेलवे स्टेशन इंडिया के मसरूफ तरीन स्टेशन में से एक है। यहाँ से मुसाफरों की खिदमत के लिए 130 ट्रेनें रोज़ निकलती हैं। दोस्तों, इस स्टेशन का पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था और इसे यूनिसेको की आलमी सकाफती विरसा साइट भी नामजद किया गया है, लिहाजा ये इंडिया का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है।
दोस्तों छत्रपति स्टेशन में 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से 11 प्लेटफॉर्म मुंबई शहर से बाहर लंबी दूरी की ट्रेन्स के लिए, जबकि बाकी 7 प्लेटफॉर्म्स करीबी शहरों की ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेलवे टर्मिनल रोजाना 1 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को खिदमत फराहम करता है। नंबर 2, सीलदार रेलवे स्टेशन। सीलदार रेलवे स्टेशन कोलकाता का एक अहम स्टेशन है। यहाँ 21 प्लेटफॉर्म्स हैं और 28 ट्रैक्स हैं। दोस्तों यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर 78 ट्रेन्स गुजरती हैं, जो तकरीबन 1.8 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र के लिए खिदमत फराहम करती हैं। इस शानदार स्टेशन को 19वीं सदी के वस्त में आवाम के लिए खोला गया था। नंबर 1, हावड़ा रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, ये है इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों के हजम के लिहाज से मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोजाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाता है। यहाँ 23 ट्रैक्स हैं, जिनसे रोजाना की बुनियाद पर 286 ट्रेन गुजरती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो गाइस, हम लोगों ने जो है वो आज रेलवे स्टेशंस देखे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे जो है वो इंडिया के रेलवे स्टेशंस बहुत अच्छे लगे, बहुत कमाल के लगे। लाइक बहुत खुले खुले साफ सुथरे थे। और वो जो लास्ट वाला था वो तो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही बड़े वाला जो है वो उनका स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो लाइक ये सारा कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो है ना, वो मतलब पाकिस्तान और इंडिया के जो है रेलवे स्टेशन, मतलब उनके साथ कंपैरिजन बनता था, क्योंकि इनके उनके जो एयरपोर्ट्स है ना, नेक्स्ट ही लेवल खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।